अस्सलाम वालेकुम, मेरे मशहूर ऑफिशियल पर खुश आमदीद है। जब बात करेंगे इश्क है के एपिसोड नंबर 7 और 8 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह से उसकी भाभी जो है उसे बात बात पे बातें सुनाती है और उसे कहती है कि यहाँ पे तुम खड़ी हो और तुम्हारा इंतजार कब से कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो है जाती है शाहजेब की माँ अपनी बहन फरीदा के घर और जाके कहती है कि मैं जो है अपनी बेटी बेटे का रिश्ता तुम्हारे घर से ही करूँगी, तुम बेफिक्र रहो। जाके अपनी बहन को मनाती है। वहीं दूसरी तरफ जो है हमाद की जो बीवी है यानी कि इसरा की भाभी, वो हर बात बात पे उसको बात सुनाती है और जो है वो इसरा के सख्त खिलाफ होती है कि उसकी वजह से जो है हनीमून पे भी नहीं जा सके ये वो। सिर्फ रजा जो है फोन करके अपनी मंगेतर को बताता है सब बातें, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा ये वो, और वो जो है काफी खुश होती है। अभी दूसरी तरफ जो है हारिस जो है अपनी माँ से कहता है कि वो बहुत खुश है कि उसकी शादी जो है इसरा से हो रही है। दूसरी तरफ फोन करता है इसरा को और इसरा से जो है कहता है कि अब बात करनी कुछ, लेकिन इस तरह जो है किसी तरह उसकी बात जो है इतना नहीं मानती। दूसरी तरफ जो है रजा की जो फरीदा की बेटी होती है वो कहती है कि हम लोग उससे बदला तब लेंगे जब हम लोग उसके घर में जाएंगे। दूसरी तरफ शाहजेब इसरा को फोन करता है और इसरा कहती है कि अब हमें कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। वहीं उसकी भाभी आती है उसको काफी बातें सुनाती है, उसके कहती है अपने आशिक से बात करने में से फुर्सत मिली हो तो तुम नीचे आ जाना ये वो। वहीं दूसरी तरफ जो है शाहजेब जाता है अपनी माँ से और माँ से कहता है कि आप मेरा रिश्ता मांगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और जो है इसरा का बाप उससे का सख्त नाराज होता है और उसे कहता है कि तुम जो है अगर ज़रूरत हो तो अपनी माँ के साथ शॉपिंग पे चली जाना। वहीं दूसरी तरफ जो फरीदा है वो अपने शोहर को मनाती है, हालांकि वो नहीं मानता लेकिन फिर भी उसको जो है मना लेती है। दूसरी तरफ जो है जब पिक्चर्स रीड करती है इसरा तो वहाँ पे उसकी भाभी आके उसको बातें सुनाती है, उसे कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत है ये वो फ्याना ही वगैरह। और दूसरी तरफ जो है इस निमरा की बहनों से सुनाती है कि इसरा की जो है शादी होने लगी है, तो वो इस बात से काफी खुश होती है। वही शहजेब जो है वो हारिस के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे और इसरा के दरमियान में से हट जाओ। तो कहता है कि उसने मुझे चुना है और ये तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें वॉर्न करने आया था। दूसरी तरफ जो है फरीदा फोन करके अपनी जो बहन है अजय शाहजेब की माँ को कहती है कि मेरा जो शोहर है वो मान गया है और ये वो। और दूसरी तरफ जो है इसरा अपने बाप से माफ़ी मांगती है तो वो उसे जो है माफ़ कर देता है। शाहजेब को फोन करके कहती है कि अब हम में कुछ भी नहीं है और सब कुछ जो है ख़त्म हो गया है क्योंकि मेरी शादी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है इसरा की माँ उसे कहती है कि हम लोग तुम्हें सुबह कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुबह हम शॉपिंग पे जाएंगे। और वहीं हारिस जो है उसकी माँ उसे कहती है कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, लेकिन वो कहता है कि मुझे खुशी मिलेगी जब शाहजेब को मैं देखूंगा इस तरह की शादी अपने से होते हुए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वहीं दूसरी तरफ जब जाती हैं इसरा और उसकी माँ शॉपिंग पे, तो वहाँ पे उसकी भाभी कहती है कि मुझे हमाद ने जो है इसकी खास चौकीदारी के लिए भेजा है। और दूसरी तरफ जो है रजा को फ़ोन करके बताता है, रजा फ़ोन करके अपनी मंगेतर को बताता है किस तरह से जो है शाहजेब ने अपना हाथ मारा, उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाहजेब जो है शॉपिंग मॉल पहुँच जाता है इसरा के पास, इसरा से कहती है हमें कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हें यह बात समझ क्यों नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ निम्रा जो है वो कहती है कि तुम्हें ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी और मुझे जलाने के लिए। वहीं आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि दानिश के पास जो है सॉरी शाहजेब के पास जो है पहुंच जाता है कार, तो वो जो है इससे देख के बर्दाश्त नहीं होता, वो फोन करके उससे कहता है, लेकिन वो कहती है कि अब मेरी शादी हो रही है, हमें कुछ भी नहीं रहा है। वहीं पे हारिस जो है अपनी मेहंदी की पिक्चर्स भेजता है शाहजेब को जो कि देख के उससे जो है बर्दाश्त नहीं होता। वहीं पे जो है इसरा की भाभी उसे कहती है कि तुम्हारे साथ की वो वगैरह, और उसको काफ़ी जो है बातें भी सुनाती हैं बात बात पे। वहीं पे जब आती है बारात तो वहाँ पे जो है हमाद कहता है कि इसरा जो है अपने आशिक के साथ भाग गई है अपने बाप को, वकार जो है ये बात बर्दाश्त नहीं करता। और जो है शाहजेब वो उठा के ले आता है इसरा को अपने घर पर, और जब उसे होश आता है तो वो देखती है। और वहीं दूसरी तरफ जो है शाहजेब की माँ बातें सुनाती है कि जो लड़की अपने शादी वाले दिन अपने घर से भाग गई हो कैसी लड़की होगी। वहाँ पे जो है इसरा का बाप वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और कहता है, दूसरी तरफ इसरा कहती है शाहजेब को कि तुम मुझे घर छोड़ा, मेरे बाबा मर जाएंगे, और जो है वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसे एक थप्पड़ भी लगाती है। तो लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं करता और उसको वापस जाके छोड़ के नहीं आता है। दूसरी तरफ शाहजेब वकार जो है वो कहता है कि इसरा को मैं तुम्हें बतवा देता हूँ कि तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरा जो है चेहरा देखना नसीब ना हो। अब आने वाले एपिसोड में देखना यह है कि शाहजेब की दीवानगी क्या करेगी। आप ही अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा।